हमीरपुर शहर में हुए अग्निकांड में 2 लाख रुपए की संपत्ति स्वाह हो गई है, जिसमें एक नई बाइक भी आग की भेंट चढ़ गई। बीते कल दोपहर करीब 2 बजे अचानक कबाड़ की दुकान में आग लग गई, जिसमें नाप तोल मशीन, 3 स्लेट, प्लास्टिक कबाड़ व एल्यूमिनियम बर्तन आदि जल गए हैं। वहीं साथ लगते एक घर को भी हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। आग के कारण प्रवीण मीना देवी के मकान के शीशे व ग्लेज आदि को नुकसान पहुंचा है। अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग की कार्यवाही से 7 लगते घरों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार हमीरपुर में सोहेल खान की कबाड़ की दुकान में बीते कल दोपहर अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। देखते ही देखती आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। यहां से आग की लपटें उठती देख लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कबाड़ की दुकान के साथ खड़ी नई बाइक भी आग की चपेट में आकर बुरी तरह से जल गई। इसके साथ ही पूरा कबाड़ जलकर राख हो गया। इस भयंकर आगजनी से संबंधित व्यक्ति को 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं 7 लगते कई घरों को आग की चपेट में आने से बचाया गया। अग्निशमन केंद्र अधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि 2 बजे के करीब आगजनी की घटना हुई, जिसमें 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं लाखों रुपए की संपत्ति बचाई गई है।